प्रकाश सिटी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी हाँ, नैनीताल जोरीकोट का एक स्कूल नैन्सी कॉन्वेंट स्कूल, जिनके द्वारा आज बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप कॉम्पिटिशन का यहाँ पर आयोजन किया गया। जहाँ पर कई सारे बच्चे जो थे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे, जहाँ पर उनको कई सारी चीजें सीखने को भी मिली। वहीं बात करें, यहाँ पर आए जो बच्चे थे, जो पेरेंट्स थे, उनको भी एक अलग कॉन्सेप्ट जानने के लिए मिला नैन्सी कॉन्वेंट स्कूल का। उसी के बारे में हम आपको बताएंगे और किस तरह से आज काशीपुर में ये कार्यक्रम हुआ है। वहीं बात करें, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में काशीपुर ग्रीन एंड ग्रीन फाउंडेशन जो है, उसके भी सभी सदस्य मौजूद हैं। बात करें उसके, उनके जो अध्यक्ष हैं और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है और नैन्सी कॉन्वेंट का ये एक जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है, उसको लेकर बात करेंगे। तो आइए जानते हैं आज के इस कॉम्पिटिशन के बारे में और किस तरह से उन्होंने इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया है, उसको लेकर बात करते हैं। बात करें सर, आज स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से स्कॉलरशिप जो है वो बच्चे को मिलने वाली है? देखिए, बच्चे का टेस्ट लिया जा रहा है और इस टेस्ट में जो उनके मार्क्स मिल रहे हैं, उसके बाद उनसे एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा और उस हिसाब उसके आधार पर हम लोग उनको स्कॉलरशिप देंगे। हम चाहते हैं कि जो मेधावी छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप मिले और इस तरह की स्कॉलरशिप पर हमारी संस्था हमेशा काम करती रही है। मैम, बच्चे के सर्वांगीण विकास में एकेडमिक्स, एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स, इन तीनों का एक मॉड्यूल होता है। तो जहां तक हम स्पोर्ट्स की बात करें, हमारा कॉलेज इस उत्तराखंड का एक पहला कॉलेज है जहां पे एस्ट्रोटफ लगा हुआ है। हमने अपने बच्चों को खेलने के लिए एस्ट्रोटफ लगवाए हुए हैं अपने ग्राउंड में, जिसमें बच्चे हमारे हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। हॉकी फुटबॉल के साथ बच्चे बिलियर्ड्स, आर्चरी, शूटिंग, टेबल टेनिस, कैरम, लॉन टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, सारे गेम खिलाए जाते हैं। मेरा उद्देश्य बच्चे को सचिन तेंदुलकर या सानिया मिर्जा बनाना नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि बच्चा विश्व के किसी भी पटल पे हो तो कम से कम सारे खेलों की उसको जानकारी हो। कहीं लॉन टेनिस हो रहा हो तो लॉन टेनिस की जानकारी हो, लॉन टेनिस समझ सके कैसे खेला जाता है। तो इस तरह से मैं बच्चों पर काम कर रहा हूँ। जो बच्चे नेशनल लेवल पे हमारे अच्छा खेलते हैं वो जरूर खेलने जाते हैं। अभी हमारे दो बच्चे नेशनल खेल के आए हैं। तो बच्चे के सर्वांगीण विकास में मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है और इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे स्कूल में पर्याप्त है। जैसा मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों को सारे गेम खिलाता हूं, चाहे शूटिंग हो, आर्चरी, बिलियर्ड, फुटबॉल, हॉकी बॉल, सारे खिलाता हूं। यह संभव इसीलिए हो पाता है कि हमारे पास आज के दिन पे 9 पीटीआई हैं। वो पीटीआई रूटीन के हिसाब से सारे बच्चों को अलग अलग कोर्ट पे ले जाते हैं और प्रॉपर उनको एजुकेट करते हैं खेलना कैसे, उसके रूल्स क्या है, नियम क्या है, सारी चीजें सिखाई जाती है। Thank you.